Hi, this is Chef Ramachandra Ganeshan. Welcome to Only My Health. On a World Chocolate Day, I'm going to make a chocolate peanut cupcake. और ये आप अपने घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं. This is very yummy and very tasty. And you can serve all to your family members, loved ones. आप चाहे तो अपना social gathering, social event में बना के लेके जा सकते हैं. You can gift it to your family members. And this is the one of the best product, and we go to enjoy this. So let's start. अब हम बनाएंगे चॉकलेट और पीकन नट कपकेक. इसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट. वी हैव टेकन 70% डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट इज वेरी वेरी की इंग्रेडिएंट. इसमें हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और रिच इन विटामिंस एंड ऑल्सो एंटी ऑक्सीडेंट. Two lumbers of large egg, half a cup of maple syrup, either आप honey ले सकते हैं, half a cup of oil, half a cup of almond milk. आप इसके जगह पे normal milk भी ले सकते हैं if you are getting little difficult in the sourcing of almond milk. Flour 1.5 cup, आधा cup almond flour, आधा कप चॉकलेट कोको पाउडर, हाफ कप ऑफ पिकन नट, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड यू कैन यूज हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. अभी हमें बनाने के लिए डाई इंग्रेडिएंट अलग से मिक्स करना पड़ेगा, लिक्विड इंग्रेडिएंट अलग से बनेगा. पहले हमने लिया फ्लावर 1.5 कप फ्लावर, उसके बाद आधा कप आलमंड पाउडर, हाफ अ कप ऑफ कोको पाउडर, अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर अप्रॉक्सीमेटली हाफ टी स्पून, देन बेकिंग सोडा. साल्ट आप आधा टी स्पून से थोड़ा कम रख सकते हैं बिकॉज कोको पाउडर वगैरह इटसेल्फ इट्स हैव लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन इट. एंड देन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद थोड़ा सा अच्छे से आपको ऐसे मिक्स कर लेना चाहिए सो दैट एंश्योर देर इज़ नो लम्स इन इट. अब आइए हम लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे. आधा कप प्लेन योगर्ट, चॉकलेट में पहले भी मेंशन कर दिया डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग. मैंने वर्ल्ड चॉकलेट डे, चॉकलेट हेल्प्स यू ऑन reducing your cholesterol level also and gives you a very mood enhancement during your munching or this thing. Halka sa aap mix kar lijiye isko. Then two eggs, then again thoda sa mix karne ka koshish kijiye, then add half a cup of oil in it, half a cup of मैपल सिरप, आप हनी भी यूज कर सकते हैं, हाफ अ कप ऑफ आलमंड मिल्क. आलमंड मिल्क नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल मिल्क भी यूज कर सकते हैं. सो वंस द लिक्विड इंग्रेडिएंट्स इज पोर्ड इन इट, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. स्पैचुला से थोड़ा मिक्स करने के बाद फाइनली आई विल रेकमेंड टू यू यूज विद द विस्क. ये सारा इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हल्का सा स्पैचुला से आप मिक्स कीजिए धीरे 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 धीरे. वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लम्स निकालना हमारा मेन फोकस है. आखिरी में थोड़ा सा विस्क लेके आपको हल्का सा इसको बीट करना पड़ेगा. हल्का सा मिक्स कीजिए, मेक श्योर दैट देयर इज नो लम्स इन इट, क्योंकि जब आप बेक करेंगे उस टाइम पे लम्स आपका मुंह पे आ सकता है, आपका टेस्ट को इसको ख़राब करने का चांसेस ज़्यादा है. तो इस वजह से आप मिक्स कर लीजिए. यहाँ देखिए मिक्सचर प्रॉपरली मिक्स हो गया. जब तक आपका लम्स यहाँ पे दिख रहा तो आपको मिक्स करना पड़ेगा. वंस द लम्स हैज बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली तो ये आपका मिक्सचर रेडी हो गया. अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया. हमने ये बेकिंग ट्रे ले लिया, ये पेपर कप भी ले लिया. पेपर कप नहीं मिल रहा है आप अपना मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ये हम अब इसमें धीरे धीरे 2-3 टेबल स्पून डाल सकते हैं. मेक श्योर दैट आप इसको पूरा ना भरिए.
3/4 इज दी आइडियली आप भर सकते हैं। तो दो चम्मच में हमारा ये ऑलमोस्ट 3/4 भर गया। ये पेपर कप मोल्ड हमने अच्छे वाले यूज़ किया, थोड़ा सा आप भी इंश्योर दैट इट हैज़ लिटिल स्टेबिलिटी इन इट। आप पतले वाले यूज़ करेंगे तो ख़राब होने का चांसेस है, बेकिंग प्रोसेस में आपको फ्लैट हो जाएगा। ये हमारा ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कप केक मोल्ड में भर दिया हमने। अब हम ऊपर से ये जो पिकन नट्स हैं वी गोइंग टू इंश्योर दैट इट्स वी गोइंग टू पुट इट ऑन द टॉप। आप चाहिए तो होल पिकन नट भी यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर रिकमेंडिंग थोड़ा बहुत बिट्स चॉप करके डालेंगे तो बेटर लगेगा। कि ये अपना पिकन नट इज़ डन। पिकन नट इज़ वेरी गुड इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ ऑल्सो एंटी ऑक्सीडेंट इंग्रीडियंट प्लस रिच इन कैलोरीज। ये अब हमें बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन चाहिए होगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स। आपका ओवन पे साइज उस पर डिपेंड होती है, आपको जितना टाइमिंग होती है वो बेक करने के लिए। ये हमारा चॉकलेट पीनट कपकेक इज रेडी ऑलमोस्ट। ये हम अभी देखेंगे, वी हैव बेक्ड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इन 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहिए तो 5 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे ऑफ चेकिंग वेदर द केक इज कुक्ड और नॉट, एज अ प्रोफेशनल हम लोग देख के पहचान लेते हैं, बट व्हेनेवर देयर इज अ टाइम काफ़ी अंदर तक जाके आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, आप अपना नाइफ ले लीजिए, हल्का सा इसके अंदर ड्रॉप करने से देख लीजिए, अंदर इंसर्ट करने के बाद स्लाइटली आपको बाहर निकाल के देखने में नाइफ में कुछ लगा नहीं, इट मीन्स इट इज़ बीन कम्प्लीटली बेक। ये आपका चॉकलेट पीनट केक इज ऑलमोस्ट रेडी है। दिस इज़ हेल्दी, हेमी एंड वेरी टेस्टी। ये आप अपने लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स सब के साथ बैठ के खा सकते हैं।